अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जो पीपीएससी, एफबीएससी और एनटीएस में पूछे गए हैं। इन वीडियोस की सीरीज़ में मैं 500 के करीब एमसीक्यूज़ जो उनको डिस्कस करूंगा। इस फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट वन है सिनोनिम्स की वीडियो का, इसमें मैंने 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में तकरीबन 10 के करीब ये वीडियोज़ बनेगी, तो कोशिश यही होगी जितने भी इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं और इसके बाद फिर एंटोनिम्स, डेफिनेट वो एंटोनिम्स भी इसी वीडियो के अंदर ही कवर हो जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले तो जो इम्तियाज शायद की बुक है उससे सारे के सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स उठाए हैं, इस वीडियो में इंसर्ट किए हैं, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स साथ ऐड किए हैं, पिक्चर्स ऐड की हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करें और फिर उसकी पीडीएफ को रीड करें और इनको याद करें। तो अब जिस तरह ये फर्स्ट एमसीक्यू है, इनेन दिया हुआ था बीपीएससी के एक पेपर में, तो इसका पहले प्रॉपर पूरा एमसीक्यू जो ऑप्शंस पेपर के अंदर दिए हुए थे, उसके बाद उसके सिनोनिम्स अलग से मैंने दिए, जो मजीद सिनोनिम्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, और उसके अलावा उसके एंटोनिम्स। तो इस एक ही वीडियो में मैं आपको हर वर्ड के 4 से 5 सिनोनिम्स और 4 से 5 एंटोनिम्स जो हैं वो बता दूंगा। आपने इसी तरीके से अगर याद किया तो आपके लिए याद करना ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, एक्सटेंसिव होगा, आप बहुत सारे सिनोनिम्स 1, 2, 4 वीडियोस के अंदर अंदर कवर कर सकेंगे। और हम जब चौथी पांचवी वीडियो तक पहुँचेंगे तो वो रिपीट ही हो रहे होंगे हमारे एमसीक्यूज, आप उस चीज़ को खुद ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो इनेन है, द सिनोनिम ऑफ इनेन इज इडियट, इंटेलिजेंट, सेंसिबल और नन ऑफ दीज। ये नन ऑफ दीज वाले जो क्वेश्चंस होंगे ये 2021 के हैं, और इससे नीचे जो आएंगे वो 2020 या उससे पहले वालों के हैं, बिकॉज उनमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन इतना ज़्यादा मौजूद नहीं होता था। तो मैंने सारे जो 84th एडिशन तक इम्तियाज शायद के जितने भी एमसीक्यूज उसमें सिनोनिम्स के और एंटोनिम्स के हैं वो सारे उठाकर इन वीडियोज में ऐड किए हैं। फर्स्ट वीडियो ये है, इसके बाद आगे वाली वीडियोज भी आती जाएंगी। ओके, इडियट इसमें जो राइट ऑप्शन है, उसके अलावा अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिली, फूलिश, रिडिकुलस, लुडिक्रस, मोरोन, मोरोनिक, मोरोन भी पागल को कहते हैं, ना समझ को कहते हैं, फ्रिवलस और पुएरल, इन सब का मतलब भी इडियट, इनेन, सिली, फूलिश है। ठीक है, तो आपको ये जो लुडिक्रस और फ्रिवलस और मोरोनिक ये इंपॉर्टेंट हैं वर्ड्स, यूजली पूछे जाते हैं ये। एंटोनिम्स क्या होंगे, सेन, इनसेन उल्ट होता है जो ना समझ होता है, और सेन का मतलब होता है समझदार, साउंड माइंडेड, लूसिड, कंपोज, मेंटस और कोहेरेंट, ये इसके एंटोनिम्स होंगे जो समझदार के मीनिंग में आते हैं। एग्जूड का मतलब होता है रिसना या बहना, किसी चीज का किसी जगह से निकलना, जैसे जैसे पसीना या खून का कतरा जो है वो बॉडी से रिसता है, आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, उसको ऊज भी कहा जाता है। तो इसके सिनोनिम्स जो होंगे डिस्चार्ज, कहीं से किसी चीज का निकलना, रिलीज, इमिट, ऊज, लीक, लीच, एमिनेट, ड्रिप या ट्रिकल, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि इस लफ्ज का कुछ खास एंटोनिम बनता नहीं है। शेवलस, सिनोनिम ऑफ शेवलस इज, उर्दू में अगर बात करें तो तहजीब याफ्ता, सलीका शार या जेंटलमैन को शेवलस कहा जाता है। ऑप्शंस की बात करें, रूट गैलेंट, बोरिश, रूट का मतलब बदतमीज, बोरिश का मतलब बदतमीज, गैलेंट का मतलब होता है जेंटलमैन। सिनोनिम्स इसके होंगे कॉर्टियस, जेंटलमैन, रिस्पेक्टफुल, नोबल और सिविलाइज्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो क्वार्स, अनकाउट, क्रैस, अनसिविलाइज्ड, इल मैनर्ड, जो सख्त मिजाज हो, जिसमें तरीका ना हो, सलीका ना हो, तहजीब ना हो, वो ये वर्ड्स उनके लिए यूज होते हैं। रेक्टिफाई का मतलब होता है तसही करना, किसी मिस्टेक को ठीक करना, किसी गलत चीज को सही करना, उसकी दुरुस्तगी करना। टू बिल्ड, करेक्ट, डिस्ट्रॉय और नन ऑफ दीज। सिनोनिम्स के होंगे फिक्स, रिपेयर, रेमेडी, एमिलियोरेट, रीड्रेस और रिजॉल्व। एंटोनिम्स के होंगे डिस्ट्रॉय, रोन या करप्ट, किसी चीज को मजीद खराब करना, वो इसके एंटोनिम्स होंगे। इंस्क्रूटेबल, इसका मतलब होता है समझ में ना आने वाली चीज, एक ऐसी चीज जो समझ में ना आए, कंफ्यूजिंग हो, कॉम्प्लेक्स हो,
हो, ट्रांसपेरेंट का मतलब वाजे, मिस्टीरियस का मतलब अजीब सी, हैरान कुन या छुपी ढकी चीज जो समझ में ना आती है। एक्सप्रेसिव का मतलब यही होता है जो चीज वाजे हो। सिनोनिम इसके होंगे एनिग्मेटिक, क्रिप्टिक, जैसे क्रिप्टो करेंसी है जो कि एक हिडन लॉक्ड करेंसी है, इन एक्सप्लीकेबल जो एक्सप्लेन ना की जा सके, परप्लेक्सिंग, कंफ्यूजिंग, पजलिंग, ऑब्सक्योर का मतलब होता है हिडन, बैफलिंग का मतलब जो दिमाग के बखिए उड़ा दे, बेविल्डरिंग का मतलब जो चीज जिस चीज से आप कंफ्यूज हो जाएं, बौखला जाएं, अनफैदमेबल का मतलब जिस चीज की समझ ना आए, फैदम का मतलब होता है समझना। एंटोनिम्स क्या होंगे, फैदमेबल जो चीज समझ आ जाए, इंटेलिजिबल जो चीज दिमाग में आ जाए, इंटेलिजेंस में आ जाए, क्लियर, परस्पिकुअस और पालपेबल, ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। और इसका मतलब होगा जो चीज आसानी से समझ में आ जाए वो वाले। फ्रिजाइल का मतलब होता है कोई चीज जो नाजुक होती है, आसानी से टूट जाने वाली होती है, वीक। सिनोनिम्स इसके होंगे फ्रेल, फीबल, सॉफ्ट, टेंडर, टिनुअस। एंटोनिम होंगे स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, रिजिलियंट, अनयील्डिंग। ब्रिसल का मतलब होता है दंदाने, कोई चीज मतलब ये जिस तरह कंघा और ब्रश है, इसके ऊपर जो फाइबर्स लगे हैं, जो दंदे लगे हुए हैं, उनको ब्रिसल्स कहा जाता है। तो कोई चीज जो खड़ी हो, राइज हो, उसको ब्रिसल कहेंगे। एंग्विश का मतलब होता है गुस्सा, एग्नी इसका सिनोनिम जो ऑप्शंस में है। उसके अलावा सिनोनिम्स इसके होंगे डिस्कम्फर्ट, एक्सक्रूशिएटिंग, टॉर्मेंट, टॉर्चर, ट्रिबुलेशन और एफ्लिक्शन। एंटोनिम होंगे सोलेस और कंसोलेशन, यानी सुकून। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, कोई घर छोड़ देना, किसी का साथ छोड़ देना, कोई काम करते हुए उसको उस काम को छोड़ देना। विकेट इसका मतलब खाली कर देना किसी जगह को। मरून का मतलब भी होता है छोड़ देना। लीव का मतलब क्विट, डिच, डंप, डेजर्ट, स्ट्रैंड और फोरसेक। इन सब का मतलब होता है किसी काम को आधे अधूरे में छोड़ देना। एंटोनिम इसके होंगे हार्बर, कहीं पे कयाम करना, सेव, रेस्क्यू, कीप और रिटेन, किसी चीज को अपने पास रखना, ये एंटोनिम्स होंगे। रिबेट का मतलब होता है कोई चीज वापस लौटा देना, कुछ बचत देना, डिस्काउंट देना, कोई पैसे जो आपको मिले हैं और जो आपकी प्राइस है उसमें से कुछ वापस कर देना, तो वो एक तरह का डिस्काउंट होता है। सिनोनिम इसके होंगे गिव बैक, पे बैक, रिडक्शन, अबैटमेंट, डिमिनुएशन, रिफंड, जिस तरह मैंने इसी पैसा का कैशबैक का लगाया। एंटोनिम इसके होंगे एडिशन, मजीद ज्यादा कर देना। ऑगमेंटेशन का मतलब भी होता है बढ़ा चढ़ा देना, इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ाना और रेस का मतलब भी वही होता है। अगर आपको ये वीडियो पीडीएफ में चाहिए या इसके अलावा हमारी सारी वीडियोस जितनी भी अब तक हमने बनाई हैं सारी के सारी पीडीएफ में चाहिए, तो आप ये सारी वीडियोस जो हैं उनको पीडीएफ में हासिल कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप इस नंबर पर 200 रुपये इजी पैसा एचएस कैश करवा दें और इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। मैं आपको सारी पीडीएफ जो हैं ये वाली और इसके बाद आगे आने वाली भी और इससे पहले वाली भी सारी टोटल नोट्स जो हैं वो पीडीएफ में आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगा। चीकी इसका मतलब होता है शोखा, खलंडरा, इम्प्यूटेंट, इनमें से जो ऑप्शंस में सिनोनिम है। उसके अलावा बोल्ड, ऑडेशियस, ब्रेसी, सासी, इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, एक तरह से इसका मतलब शेमलेस भी बनता है लेकिन प्योर सेंस में नहीं। एंटोनिम इसके होंगे हम्बल, प्योर, डिफरेंशियल, पोलाइट, जेंटल, डिम्योर और मैनरली, जो सलीका शार हो, तरीका हो जिसे चीजें करने का। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, पत्थर पे लकीर, जिसको किसी चीज से मना किया जाए लेकिन वो उससे मना ना हो। स्टबन इसका जो सिनोनिम ऑप्शंस में, इसके अलावा कैलस, कोल्ड ब्लडेड, इनसेंसिटिव, रूथलेस और पूरिश। एंटोनिम इसके होंगे बेनेवलेंट, जेंटल, लीनियंट, क्लेमेंट, कॉर्डियल और बेनिग्नेंट। इन्फिनिटिज्मल कुछ चीज जो बहुत ही छोटी हो, माइन्यूट सी हो, मिनिस्कल हो, उसको कहा जाता है इन्फिनिटिज्मल। आप इसको इस तरह से याद रख लें, इन्फिनिटली स्मॉल से आप इन्फिनिटिज्मल याद रख लें। मिनिस्कल इसका ये मतलब ऑप्शंस में होगा। इसके अलावा सिनोनिम्स होंगे इटी बिटी या इट्सी बिट्सी, मिनिएचर, माइन्यूट, वी, टाइनी, लिलीपुट्रियन, पिटीट और प्यूनी, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स इसके होंगे कुछ चीज जो बहुत बड़ी हो साइज में, कोलोसल, एनॉर्मस,
जॉइंट, हर्कुलियन, प्रोटिगुअस, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। डेविलिश का मतलब शैतानी काम, इविल, शैतानिक। सिनोनिम्स क्या होंगे, डेमोनियक, डेमन को शैतान कहते हैं, डायबोलिकल, लूसिफेरियन, क्रिश्चियनिटी में शैतान को लूसिफर कहते हैं, सिनेस्टर आर निफेरियस, डेविलिश या वाइल्ड इसके मीनिंग में आएगा। एंटोनिम होंगे इसके एंजेलिक, होली, गॉडली और सेंटली। रेडिएंट का मतलब होता है खुश, पुरमसर्रत, अगर ये शख्स के मीनिंग में आए। अगर इस मीनिंग में आए कि कोई चीज है तो फिर उसका मतलब होगा जो चमक रही हो, ग्लोइंग। सिनोनिम्स होंगे ल्यूमिनस, गे, ग्लीमिंग, ब्लिस, मर्थफुल और ब्लिसफुल। मर्थ का मतलब होता है खुशी। एंटोनिम्स के होंगे स्टोइक, जो उदास हो, एक साइड पे बैठा हो, अलग थलग हो, खुश ना हो, डिसमल, ग्लूम, मेलेंकली और सलन, ये सारे इसका मतलब होगा उदास। रूकी का मतलब होता है कोई नया बंदा जिसने अभी काम शुरू किया हो, तो अ न्यू रिक्रूट। सिनोनिम्स के होंगे एमेच्योर, एंट्रांट, जो अभी एंटर हुआ उसको एंट्रांट कहेंगे, नोवाइस, अप्रेंटिस, शागिर्द और डेबलर। एंटोनिम्स के होंगे एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, एस, वेटरन, अटेप्ट, प्रो। ये जो एस लिखा है ये ताश के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर जो ए होता है उसका बुनियादी मतलब एस होता है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल एस कहते हैं। इंसेसेंट, बगैर रुके, बगैर थके कोई काम मुसलसल करते जाना, कंटिन्यूस। सिनोनिम्स के होंगे सीजलेस, बगैर रुके, परपेचुअल, मुसलसल, एंडलेस, अनडाइंग। एंटोनिम होंगे रिकरेंट, जो वक्फे वक्फे से कोई काम किया जाए, स्पोरेडिक, इरेटिक और साइक्लिक, साइकिल्स में काम किया जाए, कभी कर लिया जाए कभी छोड़ दिया जाए। फिक्टिशियस का मतलब होता है अफसानवी, फिक्शन, जिस तरह एक यानरा है लिटरेरी तो उसका मतलब होता है अफसाना लिखना, ऐसी चीजें लिखना जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो, झूठ, फाल्स। सिनोनिम इसके होंगे कैमेरिको, फिक्शनल, फैंटेसी, फैंटम। एंटोनिम होंगे जेन्युइन, जो चीज वाकई हकीकतन मौजूद हो, फैक्चुअल, जो फैक्ट हो, रियलिस्टिक, सब्सटेंशियल, पाल्पेबल और टेंजिबल, जो चीजें टच की जा सके। बेविल्डर का मतलब होता है बौखला जाना, हक्का बक्का हो जाना, परेशान हो जाना, कंफ्यूज। सिनोनिम इसके होंगे एडल, बैफल, बी फॉग। फॉग का मतलब होता है धुंध, तो धुंध में बंदे को कोई चीज समझ में नहीं आती, ग्रेवल, डिस्कॉम्बुलेट, परप्लेक्स और मडल। एंटोनिम्स के होंगे एनलाइटन, सेटिस्फाई एंड अशोर। सीरीन का मतलब होता है पुरसुकून, आरामदेह, काम एंड पीसफुल। सिनोनिम्स के होंगे आर्केडियन, पीस, प्लेसिड, ट्रंकुल, मफल्ड। एंटोनिम्स के होंगे बोस्ट्रेटस, क्लैम्बर, राकुस, राउडी एंड टुमल्टुअस। इन सब का मतलब शोर, शोरोगोल, इन सब के मतलब ये बनेगा। चूज द सिनोनिम ऑफ डेटो, एक ही जैसे रूटीन को डेटो कहा जाता है, सेम, मैचिंग, पैरेलल, अलाइक, कॉग्नेट, कंग्रुएंट और टेंटामाउंट, होमोजेनस, इमिटेट, सिमिलर, ये इस पिक्चर के अंदर भी कुछ सिनोनिम्स लिखे हैं। एंटोनिम्स के होंगे जो चीज डिफरेंट हो, डिससिमिलर हो, डाइवर्स हो। कंजेक्चर का मतलब होता है अंदाजा लगाना, तुक्का लगाना, गैस करना किसी चीज को। सिनोनिम्स के होंगे हंच, इंट्यूशन, तुक्का, सपोजिशन, हाइपोथेसिस और सरमाइज। नॉनशैलेंट का मतलब होता है लाताल्लुक, लापरवाह, जो एक साइड पे बिल्कुल अलग थलग बैठा हो, जिसे किसी चीज से कोई मतलब ना हो। डिसपैशनेट, पैशनेट का मतलब होता है प्रजोश, डिसपैशनेट का मतलब होता है जिसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी ना हो। सिनोनिम्स के होंगे कॉम्प्लेसेंट, इनक्यूरियस, इनडिफरेंट, परफंक्ट्री, अलूफ, कैलस और स्टोइक, जो उदास, एक साइड पे अलग थलग बैठा हो, जिसे किसी चीज से कोई मतलब ना हो। एंटोनिम होंगे कंसर्न्ड, जिसे चीज में फिक्र हो, इंटरेस्टेड, पैशनेट एंड आर्डेंट। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है तूफान, तबाही, कुदरती आफत। कैटा का मतलब जहां भी आए ज्यादातर इसका मतलब वहां पर होता है किसी चीज का टूटना, जिस तरह कैटाक्लिज्म के अंदर भी तूफान, तबाही होती है और कैटास्ट्रोफी के अंदर भी तबाही होती है। सिनोनिम्स के होंगे फ्लड, टोरेंट, एवलांचे, फ्लक्स, इनंडेशन, अपोक्लिप्स, डिबैको, आर्मेगेडॉन, डूम्सडे। इसमें से जो अपोक्लिप्स है, आर्मेगेडॉन है एंड डूम्सडे है, ये कयामत के दिन के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं।
एवलांचे जो है ये बर्फ के तोहदे को कहते हैं जो ऊपर से गिरता है। एनिग्मेटिक का मतलब होता है पुरसरार, हैरानकुन, अजीब, जो समझ में ना आए, पजलिंग। सिनोनिम इसके होंगे आर्केन, क्रिप्टिक, इनस्क्रूटेबल, ऑकल्ट, फजी, इक्विविकल, एम्बिगुअस। अब वही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ऊपर हमने ये पढ़ा इनस्क्रूटेबल, अब वही उस जैसा ही एक वर्ड यहाँ पर मौजूद है। एंटोनिम का मतलब इसके होंगे क्लियर, फैदमेबल, जो चीज समझ में आ सके, अंडरस्टैंडेबल और परस्पिकुअस। इनफॉलिबल का मतलब होता है जो गलती से पाक हो, गलती से मुबर्रा हो, परफेक्ट हो। सिनोनिम इसके होंगे फ्लॉलेस, इम्पेकेबल, फूल प्रूफ। एंटोनिम होंगे फॉलिबल, इनफॉलिबल का एंटोनिम फॉलिबल, जो फॉल कर सकता हो, जो गिर सकता हो, जिसे गलती लग सकती हो, इम्परफेक्ट, फॉल्टी और डाउटफुल। ट्रांजिएंट का मतलब होता है मुख्तसर वक्त के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ब्रीफ। सिनोनिम इसके होंगे डिसिडुअस, आमतौर पर ऐसे दरख्त जो अपने पत्ते गिरा देते हैं उनको डिसिडुअस कहा जाता है। इसके अलावा जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं उनको भी डिसिडुअस कहा जाता है। एफिमरल, एवनेसेंट, टेम्पररी और मोमेंट्री, जो कुछ मोमेंट के लिए हो। एंटोनिम इसके होंगे ड्यूरेबल, परसिस्टेंट, एटर्नल और एवरलास्टिंग, जो हमेशा कायम रहे। एडवर्सिटी इसका मतलब होता है बदकिस्मती या मुश्किलात, हार्डशिप्स। सिनोनिम इसके होंगे मिसफॉर्चून, मिसहैप, कैलेमिटी, एफ्लिक्शन, ट्रिबुलेशन, एस्पेरिटी। एंटोनिम होंगे फॉर्चून, लक, सेरेंडिपिटी, आसानी। एब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज को मुख्तसर कर देना, उसमें तखफीफ कर देना या उसका मुखफ्फफ बना लेना। एब्रिज इसका सिनोनिम बनेगा। उसके अलावा सिनोनिम जो होंगे एब्रिज, कर्टल, शॉर्टन, सिंकोपैट, ट्रंकेट, अबैट और कंप्रेस, किसी चीज को शॉर्ट कर देना, कम कर देना, छोटा कर देना। एंटोनिम इसके होंगे इलोंगेट, एक्सटेंड, ऑगमेंट, एस्केलेट, बढ़ा चढ़ा के इसको चीज को इंक्रीज कर देना। एब्सर्ड का मतलब होता है अजीबो गरीब, एबनॉर्मल। सिनोनिम इसके होंगे बिजायर, वियर्ड, क्रेजी, इनक्रेडिबल, इम्प्लॉजिबल, ग्रिटिस्क, एलिस इन वंडरलैंड और सुरियल। एंटोनिम इसके होंगे जुडिशियस, जो अकलमंद हो, जो समझदारी वाली बातें करता हो, प्रूडेंट, सजेशियस, वाइज, सेन, सेंसिबल एंड वाइज। वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए यहाँ तक कि इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सिनोनिम्स होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स कवर कर सकूं। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।